रायपुर लोकसभा से भाजपा के प्रत्याशी और मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के 384 लोगों के नामांकन फॉर्म भरने वाले बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस पार्टी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। पहले तो वे दुर्ग से भाग कर गए, उनकी पार्टी ने कहा रायपुर से लड़ो, तो वे यहाँ से भाग कर राजनांदगांव चले गए। देवेंद्र यादव दुर्ग से भागकर बिलासपुर चले गए। जनता ने इन सब को नकार दिया है। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि देश की चुनाव प्रणाली पर सवाल उठाना देशद्रोह जैसा है। देखिए, कांग्रेस डूबती हुई नाव है और इसलिए दुर्ग से जो विधायक होते हैं उनको भेज देते हैं नांदगांव, जो दुर्ग से चुनाव लड़ते हैं उनको भेज देते हैं महासमुंद, जो भिलाई से चुनाव लड़ते हैं उनको भेज देते हैं बिलासपुर। तो कांग्रेस जो है उनके पास में अब ढूंढने से भी प्रत्याशी नहीं मिल रहा है और इसके कारण अब ये तय है कि कांग्रेस की नैया तो डूबेगी, और खाली कांग्रेस की नैया नहीं डूबेगी, उसके कार्यकर्ताओं की भी नैया डूबना तय हो गया। इसके अलावा भूपेश बघेल अपील कर रहे हैं कि 375 लोग फॉर्म भरे। अब ये लोकतंत्र का वो अपमान कर रहे हैं।